Voici un crayon. यहाँ एक पेंसिल है. Voici un crayon. यहाँ एक पेंसिल है. देखिए voici. Voici यहाँ है या यहाँ है, दोनों ही माने होते हैं. Here is और here are. यहाँ है या यहाँ है. Voici un livre. यहाँ एक किताब है. Voici un livre. यहाँ एक किताब है. Maintenant, le crayon est sur le livre. Maintenant, अब, now. Maintenant, le crayon est sur le livre. अब, पेंसिल किताब पर है. अब पेंसिल किताब पर है. Voici une gomme. यहाँ एक इरेजर है. Voici une gomme. यहाँ एक इरेजर है. Voici une serviette. यहाँ एक बैग है. Voici une serviette. Maintenant, la gomme est sur la serviette. Maintenant, la gomme est sur la serviette. अब इरेजर बैग पर है. अब इरेजर बैग पर है. Maintenant, la gomme est sur la serviette. Les crayons sont sur le livre. पेंसिलें किताब पर हैं. Les crayons sont sur le livre. पेंसिलें किताब पर हैं. Les gommes sont sur la serviette. Erasers बैग पर हैं. Les gommes sont sur la serviette. Erasers बैग पर हैं. देखिए यहाँ पर आपको बताया जा चुका है voici, यहाँ है या यहाँ है. अंग्रेजी में जिस तरह डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, हिंदी या उर्दू में उसके लिए कोई शब्द नहीं है. लेकिन फ्रेंच में डिफिनिट आर्टिकल्स का भी इस्तेमाल होता है. वहाँ द के लिए तीन लफ्ज, तीन शब्द हैं ल के लिए. यानी आपको पहले ही बताया जा चुका है कि फ्रेंच में हर वर्ब या तो नाउन होता है, हर नाउन या तो मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है. तो फेमिनिन सिंगुलर नाउन के लिए द के लिए अलग लफ्ज़ है, मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के लिए द के लिए अलग लफ्ज़ है, और प्लूरल नाउन्स के लिए द के लिए एक अलग लफ्ज़ है. तो देखिए यहाँ देखिए आप ले क्रेयों. ले मीन्स द पेंसिल. क्रेयों मैस्कुलिन नाउन है इसलिए एल ई ले यूज ले इस्तेमाल हुआ है. ले क्रेयों द पेंसिल. ले लिवर द बुक. यानी लिवर भी मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है इसलिए ले इस्तेमाल हुआ है. ला गोम. अब गोम फेमिनिन सिंगुलर नाउन है इसलिए इससे पहले द के लिए ला इस्तेमाल हुआ है. द इरेजर ला गोम. ला सर्वियत. ला सर्वियत यानी सर्वियत भी फेमिनिन सिंगुलर नाउन है इसलिए ला इस्तेमाल हुआ है. ले क्रेयों. अब देखिए यहां पर क्रेयों ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो एल ई एस ले. एल ई एस लिखते हैं लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं ले. ले एल ई ल एल ए ला एल ई एस ले. ले क्रेयों. ले जो इस्तेमाल होता है वो प्लूरल नाउन से पहले, सिंगुलर हो या मैस्कुलिन हो, प्लूरल नाउन से पहले इस्तेमाल होता है. तो ले क्रेयों ल मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के साथ, ला फेमिनिन सिंगुलर नाउन के साथ, और ले प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है.